दोस्तों आपने अपने फेसबुक पर बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स ऐसे देखे होंगे जिनके नाम के आगे ब्लू टिक लगा होता है, और आप भी अगर अपने अकाउंट में आपके नाम के आगे ब्लू टिक लगाना चाहते हैं और ब्लू टिक लेने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में आपको ब्लू टिक लेने के दो तरीके बताने वाला हूं। एक तो होता है पैसे देकर ब्लू टिक लेना, दूसरा होता है फ्री में ब्लू टिक लेना। दोनों ही प्रोसेस फेसबुक के हैं। ये मैं मेरे पैनल से, मेरी वेबसाइट से, किसी भी एप्लीकेशन का थ्रू यूज करके, किसी भी तरीके का यूज करके ब्लू टिक लेना नहीं बता रहा हूं। जो फेसबुक की पॉलिसी के हिसाब से फेसबुक का जो जेन्युइन तरीका है ब्लू टिक लेने का, वो तरीका आपको बताऊंगा। और इसमें भी अगर आपको ब्लू टिक मिलता है, नहीं मिलता है, तो ये फेसबुक की पॉलिसी है, मेरी कोई इसमें पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कर लेना और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो यहां पर आपको सामने मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले मैं फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूं। अब यहां पर जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको पैसों में ब्लू टिक लेना है तो कैसे लेंगे, पैसों में भी मैं आपको बताता हूं कैसे लेना है। यहां पर आपको अपना अकाउंट ओपन है, सामने आपको राइट साइड में 3 लाइन से इन पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर सेटिंग्स में चले जाना है, ऊपर सेटिंग्स का आइकन है, या फिर नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करके भी सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। सेटिंग्स में क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिख जाएगा। अकाउंट सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का अकाउंट सेंटर यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा नीचे ही नीचे जो शो हो रहा है, मेटा वेरीफाइड। तो ये मेटा वेरीफाइड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो गया है बिल्ड ट्रस्ट विद मेटा वेरीफाइड। आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं जिससे लोग आपके नाम के मतलब आपके नाम से फर्जी अकाउंट ना बना सकें। किसी को आपका अकाउंट अगर आप पहचानना हो तो वो ब्लू टिक से पहचान सकता है कि भाई ये है राहुल सैनी का जेन्युइन अकाउंट, या फिर आपका यूजर नेम से पता लग जाएगा उसको भाई जेन्युइन अकाउंट ये है। क्योंकि जो लोग फेमस हो जाते हैं उनके नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट बन जाते हैं जिससे लोग पहचान नहीं पाते हैं कि भाई कौन सा अकाउंट असली है। तो इसलिए ब्लू टिक देता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी है, जिससे आपको पता लग जाए ये असली अकाउंट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो रहा है साइन अप टू प्रोफाइल फॉर ए डिस्काउंट। डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 699 रुपये एक महीने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपको यहाँ से ब्लू टिक लेना है तो 699 रुपये एक महीने के लिए पे कर दिया, आपको ब्लू टिक मिल जाएगा एक महीने के लिए। 30 दिन कंप्लीट हो गए, फिर से आपको 699 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी एक बार आपने ब्लू टिक के लिए 699 रुपये पेमेंट कर दिया, लाइफ टाइम मिल जाएगा। लाइफ टाइम नहीं है, एक महीने के लिए मिलेगा, दूसरे महीने के लिए अलग से 699, तीसरे महीने के लिए अलग से 699। तो साल के लगा लेना कितने हो गए, 8000 से भी ऊपर हो गए। तो आपको ब्लू टिक यहाँ से परचेज करना है, अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ से कर लेना, आपकी मन की मर्जी है, यहाँ से प्रोसेस फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर शो रहा है यू विल बी बिल्ड फॉर 1169 रुपये पर मंथ मिल रहा है मुझे दो अकाउंट के लिए, क्योंकि 699 रुपये अलग अलग अकाउंट के लिए दूंगा तो मुझे यहाँ पर 1400 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दो अकाउंट का अगर एक साथ ब्लू टिक लेता हूँ तो यहाँ पर शो रहा है यू विल बी बिल्ड फॉर रेट 1169 रुपये पर मंथ, मुझे 239 रुपये पर मंथ बेनिफिट हो रहा है अगर मैं दो अकाउंट के लिए यहाँ पर लेता हूँ। तो अब मैं पे टू गेट बेनिफिट पर क्लिक करके यहाँ से ब्लू टिक ले सकता हूँ। आप भी चेक कर लेना, ब्लू टिक यहाँ पर पैसे में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्री में ब्लू टिक कैसे मिलता है, क्योंकि जो फेमस पर्सन होते हैं उनको ही फ्री में ब्लू टिक मिलेगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ से जो पेमेंट करने के बाद ब्लू टिक मिलेगा वो कोई भी पर्सन ले सकता है, किसी के कितने भी फॉलोअर्स हो चाहे। तो फ्री में लेने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर आपको नीचे नीचे आ जाना है। एक बार बैक चलते हैं, यहाँ पर आपको राइट साइड में 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे नीचे आ जाना है, यहाँ पर वापस चलते हैं, एक बार हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। आपको नीचे नीचे हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक किया, अब आपको ऊपर ऊपर हेल्प सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर एक सर्च बार दिखेगा जहाँ पर आपको लिख देना है रिक्वेस्ट ए वेरीफाइड बैज लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको ऊपर ऊपर ऑप्शन आ जाएगा रिक्वेस्ट ए वेरीफाइड बैज ऑन फेसबुक, यहाँ पर क्लिक कर देना, आपका यहाँ पर पेज आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर ऊपर शो हो रहा है रिक्वेस्ट ए वेरीफाइड बैज ऑन फेसबुक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बिल्कुल ध्यान से देख लेना ऑप्शंस को, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फिल आउट दिस फॉर्म। ऊपर से बिल्कुल धीरे से स्क्रॉल करते हुए आ जाना, यहाँ पर ब्लू कलर में शो होता मिलेगा आपको फिल आउट दिस फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके पास सामने पेज आ गया है जहां से हमको पेज को फिल मतलब फॉर्म को भरना है। यहां से जब जाकर फेसबुक हमारे अकाउंट को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद हमें ये ब्लू टिक यहां से मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, पेज को वेरीफाई करवाना है, प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना है। ऊपर सेलेक्ट कर लेना, पहले प्रोफाइल करवा लेना, प्रोफाइल है तो प्रोफाइल, पेज है तो पेज। प्रोफाइल सेलेक्ट किया, अब यहां पर अपने फेसबुक प्रोफाइल का आपको लिंक डाल देना है। लिंक डालने के बाद आपको नीचे डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक कर देना है। अब डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, कोई सा भी, जो 6 डॉक्यूमेंट्स है इनमें से कोई से भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना जो आपके पास अवेलेबल हो और जिसमें आपका नाम सही हो। अब आपको चूज फाइल पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लेना, डॉक्यूमेंट जो आपका जो सही है वही अपलोड करना और उसी को सेलेक्ट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आपके प्रोफाइल जो किस कैटेगरी पर है। यहाँ पर जैसे डिजिटल क्रिएटर है, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं पर डिजिटल क्रिएटर है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना।
अब यहाँ पर आपको कंट्री डाल देनी है किस कंट्री से आप हैं। अब यहाँ पर ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस के बारे में बताना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, कहाँ से आपकी प्रोफाइल को लोग फॉलो करते हैं, मतलब फेसबुक पर है, जो कहाँ से लोग आपको जानते हैं, जो फॉलो करते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। और इसके बाद नीचे ऑप्शन है आल्सो नोन एज, यहाँ पर आपको कोई फेसबुक जो आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी जो मतलब फॉलोअर्स हैं आपके, वो आपको किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या, जैसे आपका जैसे मेरा नाम राहुल है लेकिन मुझे राहुल के नाम से नहीं जानते हैं, मेरा यहाँ पर कोई चैनल है उसके नाम से जानते हैं, या फिर मेरा कोई प्रोडक्ट है उसके नाम से मुझे जानते हैं, कोई बिजनेस है उसके नाम से जानते हैं, तो कोई ऐसा नाम जिससे आप लोग आपको जानते हो। और यहाँ पर जो लिंक दिए गए हैं, जो लिंक आपको डाल देना है किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के कि वहाँ पर आप फेमस हैं, किसी यूट्यूब चैनल के वहाँ पर आप फेमस हैं, कोई वीडियो आपकी वायरल हुई है उस वहाँ जहाँ पर आप फेमस हैं उसके लिंक आपको यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक वो सेंड पर क्लिक कर देना है। ये फॉर्म पहुँच जाएगा आपकी आपका फेसबुक टीम के पास, फेसबुक टीम आपके अकाउंट का वेरीफाई करेगी, मतलब चेक करेगी, रिव्यू करेगी। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो ब्लू टिक है पैसों में तो हर कोई ले सकता है, जैसे 699 रुपये पेमेंट किया और हर कोई ब्लू टिक ले सकता है, लेकिन अगर आपको ब्लू टिक यहाँ से लेना है, यहाँ से अगर आपको ब्लू टिक मिल गया तो लाइफ टाइम रहेगा वो भी फ्री में, फिर वो नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ से ब्लू टिक पता है कब मिलेगा, यहाँ से ब्लू टिक तब मिलेगा जब कोई आप सेलिब्रिटी है या फिर कोई फेमस पर्सन है, या आप फेमस पर्सन से मतलब सेलिब्रिटी से मतलब नहीं है, आप ही हो सकता है ज़्यादा फॉलोअर मिलियंस में और लोग आपको ही मतलब एक सेलिब्रिटी मानते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेमस है, यहाँ पर फेसबुक वेरीफाई कर देगा और आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। ये नहीं है आपके भाई 500 फॉलोअर है आप यहाँ से अप्लाई करें तो यहाँ से आपको ब्लू टिक नहीं मिलेगा, और आप अप्लाई करके देख लेना इंस्टाग्राम फेसबुक आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये फेसबुक की पॉलिसी है। और बाकी आप इसके बारे में और ज़्यादा लर्न कर सकते हैं हेल्थ सेंटर में जाकर। तो यह है प्रोसेस फेसबुक पर प्रोफाइल पर ब्लू टिक लगाने का, फ्री में पैसे में दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।